जय हिंद दोस्तों, एग्री गार्डियंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से बीएयू का मैनुअल पढ़ना है, क्योंकि सभी मैनुअल जो बीएयू के द्वारा दिया जाता है वह सभी कोर्सों के लिए सफिशेंट नहीं है। उसमें से बहुत सारे ऐसे मैनुअल हैं जो बीएयू के नहीं पढ़ने पड़ते, जैसे कि प्रोबेबिलिटिक्स सॉइल एंड एयर मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का कोर्स हो गया, उसके बाद फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी एक नया मैनुअल आया है, अपडेटेड मैनुअल है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ये पता होगा क्या कि कौन सा मैनुअल पढ़ना है, तो आप लोगों को प्रिंट कराने में आसानी होता है। क्योंकि क्या होता है क्या कि जब जब कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट के पास पीडीएफ आ जाता है, वे लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है क्या कि ये जो प्रिंट कराए हैं वो तो पढ़ना ही नहीं था। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और जानें कि कौन कौन सा मैनुअल बीएयू का पढ़ना है और कौन कौन सा मैनुअल अदर जगह से पढ़ना है, वो कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज, ये जो बीएयू का मैनुअल सफिशेंट है, आप लोग इस पूरे कोर्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो है एक अपडेटेड मैनुअल है, वो मैं आगे बताऊँगा कि वो आगे कहाँ मिलेगा आप लोगों को। इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इसका भी जो है बीएयू का मैनुअल सफिशियंट है। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये तो प्रैक्टिकल का कोर्स है। प्रोबेबिलिटिक्स सॉइल एंड एयर मैनेजमेंट, ये जो है बीएयू का मैनुअल, इसमें आप लोग को नहीं प्रिंट करवाना है, ये आप लोग एक अलग मैनुअल पढ़ना है इसके लिए। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप, ठीक है, तो इसमें आपको बीएयू का ही मैनुअल पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बीएयू का मैनुअल नहीं पढ़ना है, ये एक अलग मैनुअल पढ़ना पड़ता है इसके लिए। प्रिंसिपल्स सॉरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ये जो बीयू का मिनिमल सफिशियंट है। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये भी जो है आप लोग को बीयू का मिनिमली पढ़ना है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो एक सीड टेक का होगा, एक सॉइल साइंस का होगा और एक फार्मिंग सिस्टम का हो गया। ये तीनों मैनुअल जो है आप लोगों को एक अलग जगह से पढ़ना है। तो वो कहाँ मिलेंगे, तो वो मैनुअल हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से उस पीडीएफ उस मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को जो है क्या कि उस ग्रुप में इसके जितने भी मैनुअल है, अपडेटेड मैनुअल है, क्या क्या पढ़ना है, उन सभी आप लोग को वहाँ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर के वो जान सके कि कौन सा मैनुअल को पढ़ना है, कौन सा मैनुअल हमारे लिए सही है। क्योंकि कोई भी सेमेस्टर पढ़ने से पहले यह बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।